बरेली बवाल मामले में पुलिस प्रशासनिक अफसरों के कार्रवाई न करने पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने बरेली बवाल के मामले में आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को दंगे का मुख्य मास्टरमाइंड माना है। कोर्ट ने मौलाना को 11 मार्च को समन जारी कर तलब किया है। कोर्ट ने कार्रवाई न करने को लेकर बरेली के अफसरों पर भी तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट के आदेश की कॉपी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजने का आदेश दिया है। बरेली में दंगे के मामले में इंस्पेक्टर सुभाष यादव ने 5 मार्च को अपने बयान दर्ज कराए। पत्रावली का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने दंगे के आरोपी रिजवान, दानिश, राजू, हसन, सौबी रजा, यासीन की हाजिरी माफी स्वीकार कर ली। कोर्ट में तारीखों से लगातार गैर हाजिर रहने पर बाबू खां, आरिफ, अमजद अहमद, निसार अहमद, अबरार, राजू, राजकुमार कौसर अनुपस्थित थे। सभी के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर प्रेमनगर पुलिस को गिरफ्तार करने कर पेश करने का आदेश दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर ने अपने आदेश में कहा कि ज्ञानवापी प्रकरण में वाराणसी में मैंने ही फैसला दिया था, इस वजह से एक धर्म विशेष के लोगों और अधिकारियों का रवैया मेरे प्रति अजीब सा हो गया है। जज रवि कुमार दिवाकर ने कहा कि लखनऊ में रहने वाले मेरी माँ, शाहजहाँपुर में तैनात सिविल जज भाई, मेरी पत्नी और बच्चे सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। मार्च 2010 में बरेली में दंगा भड़काने वाले मौलाना तौकीर रजा का नाम पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया है। मुकदमे की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की, तत्कालीन SSP, DIG, IG कमिश्नर और DM ने विधिक रूप से कार्य न करके सत्ता के सहारे पर काम किया। अधिकारियों ने 2010 के दंगे के आरोपी और मुख्य मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा खां का सहयोग किया। दंगे के मास्टरमाइंड तौकीर रजा के खिलाफ समन जारी हुआ है, सर क्या मामला है, क्या आदेश दिया गया है, किस कोर्ट से? ये मामला सन 2010 का है, जो कि वर्तमान में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम बरेली श्री रवि कुमार दिवाकर जी के न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें आज माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय ने सो मोटो संज्ञान लेकर के इस दंगे के मामले में साक्ष्य का प्रसीलन करते हुए, पत्रावली का प्रसीलन करते हुए तौकीर रजा को तलब किया है और उनके विरुद्ध समय 11 तारीख उनको उपस्थित होने के लिए नियत की गई है। क्या कहा है आदेश में? माननीय न्यायालय ने 319 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए IMC के इत्यादि मिल्लत काउंसिल IMC के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां को इसमें मुख्य अभियुक्त मानते हुए इनको धारा 147, 148, 149, 307, 436, 332, 336, 427, 152, 153 ए, 295, 397, 398 सबटे धारा 120 बी भारतीय दंड संहिता 1860 तथा धारा 7 CL एक्ट तथा 3 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम में तलब किया है। इसके अलावा सर क्या आदेश किया है कि अधिकारियों को भी टिप्पणी की गई है? सर पत्रावली में विस्तृत आदेश के अवलोकन के पश्चात ही ये ज्ञात हो सकेगा कि अन्य क्या क्या माननीय न्यायालय के आदेश में उल्लिखित है, ये पत्रावली के अवलोकन से ही ज्ञात हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजी गई है आदेश की प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञानित कराने हेतु प्रेषित करने का आदेश पारित किया गया है। क्या हुआ था उस दिन, क्या जुलूस था, क्या था? ये सन 2010 की घटना है जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 519/2010 थाना प्रेमनगर में पंजीकृत हुआ था और इसमें अंजुमने निकलने को लेकर के विवाद था जिसको रोका जाना था, जिसके संबंध में इनके द्वारा भाषण दिया गया था और उसके उपरांत दंगा भड़क गया था, जिसके बाद बहुत सारी दुकानें फूंक दी गई, दीवा सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया था। क्या अभी तक इनका नाम नहीं था मौलाना तौकीर रजा का, इसमें विवेक चल रहा था? माननीय न्यायालय ने आज साक्षी पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का प्रसीलन करते हुए स्वयं अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इनको माननीय न्यायालय में बतौर अभियुक्त सम्मन किया है और 11 तारीख इनकी उपस्थिति के लिए नियत की है।